इसकी सर पाइप वाले की 20,000 है या गाड़ी में रखा जाता है। अच्छा, ये गाड़ी में रख लेते हैं इसको। ये डेरे का होता है, चांदी का बन जाता है, तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर ही बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मान खिची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान खिची। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये हुक्का है, और पंजाब की जो शान है वो हुक्का समझी जाती है। सदियों पुराना रवाज है, पंजाब में बिलखसूस जो किसान हैं वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हर ज़िम्मेदार के दायरे के ऊपर अगर हुक्का ना हो तो उसको बिल्कुल रूखा समझा जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला चिन्योट की तहसील लालिया में, एक दुकान है राना हुक्का एंड तंबाकू जो स्टोर है, और ये भाई जो हैं ये हुक्का बनाते हैं, और हुक्का ऐसा बनाते हैं कि कमाल कर देते हैं। मेरे सामने आप जो हुक्के देख रहे हैं ये हज़ारों में इनकी कीमतें हैं, और इस दुकान का ये खासा है कि आप अपनी मर्ज़ी का कस्टमाइज्ड हुक्का यहाँ पे बनवा सकते हैं। यहाँ पे इन भाई का दावा है अगर कोई चाहे तो सोने का हुक्का भी बनवा सकता है अगर उसकी जेब इजाज़त देती है। चांदी का हुक्का लोग बनवाते हैं, और उसके अलावा जो नॉर्मल रेंज होती है यहाँ पे जो हुक्के बनाए जाते हैं वो 1.5 लाख रुपये तक का हुक्का होता है। अभी जो मेरे पास पड़े हुए हुक्के ये 30-40 हज़ार मुख्तलिफ कीमतों में हैं। मज़ीद हम भाई से जानते हैं कि ये कब से ये काम कर रहे हैं और ये कितनी एक रेंज तक के हुक्के भाई जो हैं वो बनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। इनामुल्लाह भाई कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है ठीक। इनामुल्लाह भाई कब से ये काम कर रहे हैं आप, ये हुक्का साजी का? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल दुकान भी 20 साल से कायम है या दुकान पहले से मौजूद है? 20 साल से हमने बनाई थी। अच्छा, आपने ही बनाई है ये दुकान? ये आपने ये फ़न किस से सीखा? मेरा उस्ताद है एक, सरवर नाम है। अच्छा, इधर ही? इधर ही। अच्छा, उनसे आपने ये काम सीखा हुक्का साजी? जी जी जी। तो अभी आपके पास ये जो हुक्के पड़े हुए हैं ये कितनी कीमत है इस हुक्के की, ये पाइप वाला हुक्का? इसकी सर पाइप वाले की 20,000 है या गाड़ी में रखा जाता है। ये डेरे का होता है। अच्छा, ये डेरे के लिए 18,000 रुपया। अच्छा, इसके ऊपर ये नग लगाए जाते हैं, इस वजह से इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। यहाँ पे जिम्मेदार लोग अक्सर लेके जाते हैं, शहर वाले लोग भी लेके जाते हैं? जिम्मेदार बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं। अच्छा, ज़्यादातर जिम्मेदार लेके जाते हैं? जिम्मेदार लेके जाते हैं। तो ये जो है मटीरियल वगैरह वो सारा कहाँ से मंगवाते हैं आप? गुजरात से भी लेकर आते हैं, गुजरात से भी लेकर आते हैं, लाहौर से भी लेकर आते हैं। अच्छा, ये सारा मटेरियल रॉ मटेरियल आता है? जी। उसके बाद जितना भी काम होता है वो सारा आप खुद करते हैं? खुद करते हैं। ये जितना भी ये इसका खोल बनाया गया, इसमें नग लगाए गए, वो आपके हाथों से लगे हैं? जी, आप टोटल आप तैयार करते हैं। तो आम लोग गरीब लोग लेते हैं उसका, उसकी क्या रेट होता है? मट्टी का 600-700 का, 1000 रुपये का मिल जाता है। अच्छा, सबसे नॉर्मल जो चमड़े का होता है वो सबसे नॉर्मल जो सा रेट है उसका 6,000 रुपये, फिर उससे ऊपर चढ़ता जाता है 20-25 हज़ार, 50 हज़ार। चांदी का बन जाता है तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर ही बनता है, आम सा जो होता है। आम सा जो है ये जो अच्छा चांदी का वो 3.5 लाख रुपए के बनता है। जो अच्छा चांदी है फुल उसके ऊपर चांदी लगी हुई है? फुल लगी होती है, फुल चांदी से ही बना हुआ होता है। बीच में लेदर भी लगा होता है, इसमें जो जिस जगह पे चांदी का पिघलने का होता है जारी बात उसमें मिट्टी भी होती होगी। जी हाँ। तो वो जो है वो 3 लाख 3.5 लाख रुपये उसका रेट होता है। जी जी। और सफेद तांबा है? अच्छा, ये सफेद प्योर तांबा है, ये बीच में लेदर लगी हुई, इसका क्या रेट है? ये 35,000 रुपये का। अच्छा, ये 35,000 रुपये। जी जी। अच्छा, आपके पास जो नॉर्मल आप बनाते हैं वो किस रेंज तक बनाते हैं, मसलन आप बना के रखते रहते हैं कि यहाँ तक नॉर्मल सेल होती रहती है? 10-15 हज़ार। अच्छा, 15,000 जी। और एक आधा पीस जो आप 30,000-35,000 वाला रखते हैं, जो आके लोग ले जाते हैं? जी जी। तो जो ये जो महंगे होते हैं जैसे 3 लाख है 1.5 लाख है वो वाला अगर कोई ऑर्डर देता है फिर बना? ऑर्डर देते हैं फिर बना। अगर कोई सोने का बंदा हुक्का आपको ऑर्डर करेगा जिसमें सोना और उसमें प्योर नग लगाएं आप असल जो है वो फिलहाल तो ऑर्डर आया नहीं, अगर कोई हमारे देखने वाला करता भी नहीं है कोई? अच्छा, वो नहीं करता? चांदी का भी नहीं कोई करता, ये वो आपका मोरा वाला दिखाया ना? हाँ, मोर वाला हुक्का। हाँ, वो तांबे का है, वो 1.5 लाख रुपये में तैयार। अच्छा, वो 1.5 लाख का? जी। अच्छा, चांदी का भी अभी तक आपके पास कोई ऑर्डर नहीं? अगर कोई बंदा फोन पे कहता है आपको डिजाइन भेज देता है उसको बना के आप भेज देंगे? भेज देते हैं उधर ही, उधर ही वो आपके पैसे भेज देगा पहले? टीसीएस करा देते हैं। कितनी किसकी एज होती है इस हुक्के की? तकरीबन 18-20 साल। अच्छा, अभी चूंकि कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही है इसके ऊपर ये वो महंगाई की वजह से भी असर तो हुआ? ये महंगाई के वो आगे महंगाई से पहले ना ये तकरीबन 20,000 रुपये बनता था। अच्छा, ये वाला? जी। अच्छा, ये 35,000 में बन रहा है। 15,000 रुपये बढ़ गया? जी जी। तो फिर ये डिमांड में भी फर्क आ गया? डिमांड लोग कम लेते हैं? कम लेते हैं। तो ये ज्यादातर लोग जो शौकीन लेते हैं या दिखावे के लिए? ज्यादातर सर गुजरात के या मंडी बहाउद्दीन के आदमी वो ले जाते हैं ऐसे हुक्के। अच्छा, आप लोगों से ज्यादातर वहाँ पे जाता है? वहाँ पे जाता है। अच्छा, आपके अपने एरिया में इतने बड़े महंगे हुक्के नहीं जाते? अपने यहाँ हमारे इलाके में नहीं चलते, उधर गुजरात के इलाके में चलते। अच्छा, ये जो मिट्टी का जो सामान है ये जो नीचे जो आप लगाने के लिए वो भी आप ही बनाते हैं या वो कोई और भट्टियाँ लगी हुई है यहाँ पे? वो इधर नहीं है, वो है लाला मुँह से महलू सैलू।
अच्छा वहाँ से आप वो वाली भी वो लेके आते हैं, आगे हम आप तैयार करते हैं चूड़ी। अच्छा, आप लगा सिगरेट में जो होता है वो कहते हैं कि इसमें ये होता है कि पानी के अंदर से धुआं गुजर के जाता है, वाटर होकर जाता है। इसका मैदा ख़राब होना उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा हुक्का ये जिसका मैदा ख़राब हो, डॉक्टर भी बताते हैं, हकीम भी बताते हैं। आपने तंबाकू भी रखा हुआ है? तंबाकू भी रखा हुआ, उसकी भी सप्लाई करते हैं साथ? सप्लाई करते हैं। वो किधर से मंगवाते हैं? तोबा से मंगाते हैं। अच्छा तोबा टेक से, काले की मंडी है। अच्छा उधर से मंगाते हैं। अच्छा जो हुक्का लेके जाते हैं फिर वो साथ उनको तंबाकू भी लेके जाते हैं। हलिया में हर तरह के हुक्के बनाए जाते हैं, तो अगर आप यहाँ से अपनी पसंद का हुक्का लेना चाहते हैं तो आप जो इनका नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनसे आके मिल भी सकते हैं और अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन भाई जो है ना, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मोर जिस तरह से मोर होता है उस तरह का इन्होंने हुक्का बनाया हुआ है। तंबाकू वाला हुक्का जो है अगर कोई भी बनवाना चाहे तो वो भाई से रब्ता कर सकता है, तो इंशाल्लाह ये आपको अच्छा जो हुक्का है वो बना के देंगे। और ये हमारा एक विरसा है पंजाब का, तो जो लोग ये हुक्का पीते हैं वो इसको बड़ा पसंद करते हैं। और इरफान भाई आप दुकान की लोकेशन बता दें और मोबाइल नंबर बता दें। कचहरी रोड पे राणा इनामुल्लाह 0302-76-80-997 ये व्हाट्सएप नंबर भी है। ये व्हाट्सएप इस पे आप अगर कोई भी लेना चाहता है, तहसील लालियां जिला चिन्योट, ये इनामुल्लाह भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी अपनी ये दुकान है। करते हैं कि हमारी आज की प्रोडक्टिव वीडियो जो आपको हमने दिखाई है कि ये आपको पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप देख सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।